मैं हूं माही, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। शाजापुर जिले की गुलाना तहसील का ग्राम दास्ता खेड़ी, जहां पर ग्रामीणों ने प्रशासन से शिकायत की है कि सरपंचों ने गलियों में जो रोड बनाया है कुछ ही समय में वह उखड़ जाता है। ऐसे घटिया निर्माण कर सरपंचों के द्वारा लाखों रुपए खर्च कर भ्रष्टाचार किया जाता है। एक तरफ जहां प्रशासन विकास यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है, वहीं सरपंच और मंत्रियों के द्वारा गांव में विकास के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया जाता है। जिस तरह से लाखों रुपए खर्च करके गांव का विकास करने में लगी है, ऐसे में ग्रामीणों के द्वारा बताया जाता है कि ज्यादातर विकास केवल कागजों तक ही सीमित है। भोली भाली जनता को यह मालूम तक भी नहीं कि गाँव में कितना काम हुआ है, वे कितने रुपए शासन से मिलते हैं। इनके द्वारा जब काम के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। प्रेम सिंह यादव की रिपोर्ट। हमारे मेन रोड रास्ता है गाँव का, पठौर से करीबन 2 किलोमीटर का। हमने कलेक्टर साहब को आवेदन भी दे चुके हैं, अभी तक रोड की मंजूरी ये नहीं बना। रोड बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है समस्या का। शाजापुर जिले की गुलाना तहसील का गांव दास्ता खेड़ी, जो कि ग्रामीण वासियों का कहना है कि हमने सरकार को प्रशासन को इसकी शिकायत भी करी है और ग्रामीणों का ऐसा आरोप है कि इस रोड को बिना काम किए ही आरोप ऐसा लगा रहे हैं कि सरपंच ने पैसे निकाल लिए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम अर्जुन प्रजापति है। इस रोड में पूर्णतः भ्रष्टाचार किया गया है। जैसे देखते हैं, हम देख रहे हैं बठोड़ से सोसाइटी से लेकर मंजूर तो कागज में हुआ यहाँ तक ये नदी तक, पर उसके पैसा निकाल लिए हैं और धरातल पे कोई रोड नहीं बनाए और आधा अधूरा लिपापोती करके आधा अधूरा इंजीनियर द्वारा रिश्वत देकर उससे साइन करवा के पूरे पैसे निकाल लिए गए हैं। कितना समय हुआ इस रोड को बनाए को? इसको 1.5 साल पूर्व, 2 साल पहले मंजूर हुआ था ये रोड, जिसमें तो 2 साल पहले जो रोड बना है, आज कहीं ना कहीं ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि 2 साल में रोड उखड़ गया है। हाँ जी, कुल घटिया सामग्री का निर्माण किया गया, थोड़ा बहुत बनाया तो जिस कारण वाहन थोड़े बहुत चले उसमें ही उखड़ गया पूरा रोड ये। और जो नाली का निर्माण किया गया था, जो पूर्व सरपंच ने मतलब कि ये नाली मतलब कागज में तो पूर्ण बनाई बताई गई थी और धरातल पे नाली नहीं बनी थी। तो शासन ने अभी कुछ दिन पहले एक विकास यात्रा निकाली थी, उस विकास यात्रा में नेताओं के द्वारा बड़े बड़े बोर्ड लगाकर लोगों को संदेश दिया गया था कि हमने गाँव में इतना विकास करा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा आरोप है तुम्हारा सरकार के ऊपर कि जो विकास यात्रा में जो बोर्ड लगाकर दिखाया गया वह विकास कहीं ना कहीं धरातल पर अधूरा है। बिल्कुल अधूरा है सर। हमारे विकास यात्रा में हमारे मंत्री जी परमार साहब भी आए थे, उन्होंने भी हमें उन्हें आवेदन दिया था कि हम इसका जल्दी निराकरण करेंगे, पर उन्होंने भी हमारे आज तक कोई नई बात नहीं सुनी और इसी कारण अब हम विधानसभा चुनाव का पूर्णतः बहिष्कार करते हैं, क्योंकि मंत्री जी ने 2-3 बार विधायक जी को तो हम आवेदन दे चुके हैं कि सर इसका हमें बड़ी समस्या होती है निराकरण करो, पर वो सिर्फ चलते बढ़ते सुनते हैं और हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं। इसलिए हमने ग्रामवासियों ने ठाना है कि इस बार चुनाव का पूर्णतः बहिष्कार करना है। तो कहीं ना कहीं गांव में हर महीने 2 महीने 3 महीने में एक ग्राम सभा की बैठक होती है, उस बैठक में कहीं ना कहीं ग्रामवासी लोग मुद्दा क्यों नहीं उठाते कि इसका हिसाब किताब मांगा जाए? जी हमने मुद्दा उठाया था एक बार अभी ग्राम सभा में 15 अगस्त के दिन भी, तो सरपंच कहता है अभी वर्तमान सरपंच कि एक बार रोड बन गया है तो उसके जगह पैसे में मंजूर, अब 20 साल तक पैसे नहीं निकलते क्योंकि, तो इसलिए ये रोड के मतलब पैसे निकल चुके हैं, इसलिए अब नया रोड मंजूर नहीं होता इस रोड के लिए। तो गाँववासियों का ऐसा आरोप है, 2000 के लगभग की आबादी का गांव है और 1200 वोटर हैं, तो लोग ऐसा मन बना चुके हैं कि विकास तो ऊपर से बहुत होता है, पैसे बहुत आते हैं, पर धरातल पर कहीं ना कहीं सरपंच मंत्री की या अन्य कर्मचारियों जिले की जनपद के जो भी अधिकारी उनकी मिली भगत से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया जाता है। ऐसे लोगों पर शासन कहीं ना कहीं कार्रवाई करना चाहिए, अन्यथा प्रशासन को इतना का गंभीर चुनाव में आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। इंडिया 24 से प्रेम सिंह यादव की रिपोर्ट।